इसराइल हमास युद्ध के बाद से ही लाल सागर, बाबल मंडेप और एडन की खाड़ी एक आग का दरिया बने हुए हैं और यमन का हूती बार बार इन इलाकों में पश्चिमी देशों और इसराइल से जुड़े जहाजों पर मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है। हूती के इन हमलों से इस पूरे इलाके में मालवाहक जहाजों का आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है, लेकिन अगर कोई जहाज इन रास्तों पर आने की हिम्मत जुटाता है तो हूती उसे वहीं उड़ा देता है। यहां तक कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने अपने युद्धपोत इन इलाकों में तैनात किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हूती के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं। और अब हूती ने एक बार फिर एडन की खाड़ी में चार जहाजों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हूती का कहना है कि उसने ड्रोन और नौसैनिक मिसाइलों से अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया है। हूती के मुताबिक उसने एमएससी डार्विन शिप, एमवी यॉर्कटाउन और एमएससी गिना पर हमला किया है। वहीं दूसरी तरफ 10 अप्रैल 2024 को अमेरिकी सेना ने कहा था कि उसने एडन की खाड़ी में एक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है, जो संभवतः हूती द्वारा एमवी यॉर्कटाउन की तरफ दागी गई थी। इस हमले में कोई हताहत या नुकसान नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर याया सारी का भी बयान आ गया है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी युद्धपोत पर हमले की बात कही है। في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى أربع عمليات عسكرية صباح يومنا هذا وعلى النحو التالي استهداف سفينتين إسرائيليتين الأولى سفينة MSC داروين والأخرى سفينة MSC جينا والتي تم استهدافها مجددا وذلك في خليج عدن استهداف سفينة ميرسك يورك تاون الأمريكية وذلك في خليج عدن استهداف سفينة حربية أمريكية في خليج عدن بعدد من الطائرات المسيرة आपको बता दें कि लाल सागर में हूती के इन हमलों की वजह से दुनिया का शिपिंग कारोबार चरमरा गया है, जिसकी वजह से माल ढुलाई करने वाली कंपनियों को अपने जहाजों को लंबे रास्ते से होकर भेजना पड़ रहा है। ये रास्ता दक्षिण अफ्रीका होते हुए जाता है, जो बेहद ही खर्चीला है। लेकिन अब हूती ने ऐलान किया है कि वो नए रूट केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते पर भी पश्चिमी देशों के जहाजों को निशाना बनाएगा, और ऐसे में इसराइल हमास युद्ध का दायरा बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका को डर है कि कहीं ये युद्ध पूरे मिडिल ईस्ट में ना फैल जाए। हालांकि अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती के ठिकानों पर कई हवाई हमले भी किए थे, लेकिन उसकी वजह से हूती की ताकत में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि उसने और आक्रामक तरीके से हमले करना शुरू कर दिया है।